वाले हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आपका ये मेडिवल होगा, और मेडिवल में आज जानेंगे हम लोग दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान के बारे में, जिसमें आज हम देखेंगे रजिया सुल्तान के जो पिता थे इल्तुतमिश के बारे में कुछ ने उन्होंने और क्या क्या किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान थे जिन्होंने अरबी सिक्के जारी किए। तो आपसे पूछा जाएगा अरबी सिक्के किसने जारी किया था, तो किसने जी, इल्तुतमिश ने। या पहला वो सुल्तान, पहला तुर्क सुल्तान कौन था जिसने अरबी सिक्के जारी किए थे, तो वो कौन थे, इल्तुतमिश। फिर इन्हें चांदी का टंका, ठीक है, मतलब सिक्का, और फिर क्या तांबे का जितल चलाया था, ठीक है, मतलब जो सिक्का है ना। तो पूछा जाएगा टंका नाम का और जितल नाम का सिक्का जो है किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने चलाया था। और जो टंका था किसका बना था, चांदी का, और जो जितल था किसका बना था, तांबा का। ये भी अलग अलग प्रश्न बन जाएंगे कि जितल किसका बना था, तो तांबा का, और आपका चांदी का क्या बना था, टंका। अब देखिए है क्या कि इसके बड़े पुत्र के मृत्यु होने के बाद, मतलब बंगाल विजय अभियान जब चल रहा था, तो उस समय हुआ क्या कि इनके मतलब बड़ा जो पुत्र था मोहम्मद, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो उसके याद में इन्होंने क्या किया, दिल्ली में सुल्तान गद्दी का मकबरा बनाया। क्या बनाया, सुल्तान गद्दी का, क्या बनाया जी, मकबरा बनाया। तब से पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश ने किसके याद में सुल्तान गद्दी का मकबरा बनाया, तो अपने बड़े पुत्र क्या जी, महमूद के याद में, ठीक है। फिर महमूद की मकबरा जो है कहाँ बनाया गया, दिल्ली में बनाया गया। फिर ये भी पूछे सुल्तान आरकल थे, महमूद किसका बेटा था, इल्तुतमिश का बेटा था। अब देखिए हुआ क्या कि जब इल्तुतमिश जिंदा थे तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया, अपने युग पुत्री रजिया सुल्तान। हालांकि मतलब कंट्रोवर्सिया भी देखेंगे, मतलब क्या, मतलब रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठने से पहले क्या क्या मतलब बातें चल रही थी, कौन किसको बना रहे थे। अब थोड़ा शॉर्ट टर्म में जो क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए, उस वक्त कहानी को देखेंगे। तो देखिए हुआ क्या कि मतलब उत्तराधिकारी योग पुत्र थी, इसलिए रजिया सुल्तान का बना दी नियुक्त किया, मतलब ठीक है दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर। लेकिन क्या हुआ कि निधन जैसे हुआ, जैसे इनका 1236 में क्या हुआ जी, इल्तुतमिश का निधन हो गया, तो अगले दिन ही क्या हुआ कि अयोग्य पुत्र जो इनका, इल्तुतमिश का एक अयोग्य पुत्र था रुकनुद्दीन, क्या था जी, रुकनुद्दीन, उसको रुकनुद्दीन फिरोज शाह नाम क्या था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अमीरों ने क्या किया, सुल्तान बना दिया। अमीरों ने क्या किया, मतलब दिल्ली के जो अमीर लोग थे ना, उसने क्या किया, उस वहां का सुल्तान बना दिया। किसको, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। किसको बना दिया भाई साहब, रुकनुद्दीन का फिरोज शाह को। किसने बनाया, अमीरों ने, जी अमीरों ने। कब बनाया, तो इल्तुतमिश के निधन के जस्ट एक दिन बाद, मतलब मीटर किया। देखिए होता ये है कि जब तक इल्तुतमिश जिंदा थे तो अपना जो है सोचा कि राजपाट को अच्छा कौन चलाएगा, मेरा बेटा चला देगा, मेरा बड़ा बेटा जो था वो तो मर गया, अब बच गया जो छोटा बेटे थे उसका नाम क्या, रुकनुद्दीन का जी फिरोज शाह, और वो था अयोग्य शासक, क्या था, अयोग्य। उसके मतलब उतना बुद्धि समझदारी नहीं थी, लड़ने का हिम्मत नहीं था, तो उसको उन्होंने साथ उत्तराधिकारी अपना नहीं बनाया, अपने उन्होंने बेटी को बनाया, क्योंकि वो बेटी को जानते थे बहुत समझदार है, लड़ाकू है, ठीक है, हर एक विद्या जानती है, इसलिए उसको अधिकारी बनाया। तो फिर लेकिन जो दिल्ली के अमीर थे वो इसको नहीं माने, वो इसको इनकार करते थे कि मतलब हम इसको शासक नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, मतलब अपने उसके जो अयोग्य बेटा था, जैसे इनका मृत्यु हो जाता है तो उन्होंने, अमीरों के पास पावर भी होती है, पैसा है भाई साहब, धन है, ठीक है, तो अपने पावर के दम पर क्या किया, तो उसको रुकनुद्दीन फिरोज शाह का दिल्ली का गद्दी पर शासक बना दिया। और शासक जो है वो अयोग्य था, तो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो टोटल उसको किसको संभालना पड़ता था, उसके माँ को, जो माँ थी, माँ का नाम क्या था जी, शाह तुर्कान, क्या नाम था जी, शाह तुर्कान। अब इसके समय पर क्या है, कौन छाया रहा, मतलब कौन हाईलाइटेड रहा, मतलब सब जो युद्ध लड़ने का काम है वो कौन करती थी, तो माँ कौन जी, शाह तुर्कान, कौन थे जी, शाह तुर्कान जो है पूरा आपका दिल्ली सल्तनत में छाई रही। फिर आपका है क्या कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, इल्तुतमिश क्या कहते हैं जी, गुलामों का गुलाम। तब से कहा जाए गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है, ये वन डे एग्जाम के लिए आता है। फिर आपका है क्या, न्याय मांगने के लिए इन्होंने क्या चलवाया था, इन्होंने लाल वस्त्र पहनने की परंपरा जो है चलाई थी, पहले न्याय मांगना है तो आप वहां पर लाल वस्त्र पहनकर आएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में, तो रजिया सुल्तान का जो शासन चलेगा, देखिए अयोग्य शासक होगा ना तो अपने भाई को हटा देंगे, ठीक है। फिर आपका है क्या कि रजिया सुल्तान है क्या 1236 से लेकर 1240, और आपका है क्या कि इनको गद्दी पर कौन बैठाएगा, तो तुर्कान ए चहल गामी, मैंने आपको बताया तुर्कान ए चहल गामी जो है एक संस्था है जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था, जिसमें 40 लोग थी, ठीक है, और वो 40 लोग भी ना ये मतलब समाज क्या होता है बहुत अमीर और समझदार लोग थे, दासों की मतलब थी, ठीक है, मतलब संस्था थी, ये लोग धनी भी लोग थे और लोग इरादा को सलाह दे रहे थे।
तो ऐसे में मतलब जैसे वो क्या होते हैं आप कलतुत मारे जाते हैं, फिर उत्तराधिकारी उसको बनाया जाता है, फिर लेकिन जो अमीर जो है जो 40 जो है ये मिलकर क्या बोलते हैं फिर से इसको गद्दी पर बैठा देते हैं, पर तुर्काने चालुदा में मतलब 40 लोग का संगठन। उसके बाद फिर क्या आता है कि जनता की एक मानसिकता बनी रहती है कि मतलब रजिया जो है वो महिला है वो कैसे प्रजा को संभालेगी, ठीक है, तो इस तरह की होती है। लेकिन महिला जो रजिया सुल्तान थी वो बहुत ही समझदार थे, क्या थे, योग शासक थी, ठीक है, मतलब उसके पास मतलब जितना भी मतलब सल्तनत क्या होते हैं एक शासक बने की योग्यता होना चाहिए उसमें हर एक खुलिया उतरे थी। अब देखिए हुआ क्या कि इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और चांदी के टांगे पर उसका नाम का अंकन करवाया। मतलब जब रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश ने गद्दी पर बैठाया तो उसके बाद ने उसके याद में कि मतलब मेरी बेटी गद्दी पर बैठ रही है इसके लिए क्या किया चांदी के क्या जी टंका पर उसका नाम जो है कटवाया। तो चांदी का टक्का जो पैसा चल रहा था उस पर क्या किया रजिया सुल्तान का उस पर फोटो रखा। रजिया सुल्तान बहुत मतलब आप बोल सकते हैं पूरी तरह से हैंडसम आप स्मार्ट बोल सकते हैं लंबी ठीक है नाक छुरी की तरह बहुत मतलब जितना आप भी बोल सकते हैं उतना। तो आप कहा उसी तरह मतलब लड़ाकू भी उसी तरह मतलब क्या होता है कहा जाता है ना कि अगर किसी भी चीज करने के लिए सामदान धन सब कुछ का इस्तेमाल करना चाहिए कि अपने गद्दी पाने के मतलब गद्दी को मजबूत करने के लिए हर एक क्रिया को अपनाए जिससे मतलब निरंकुशवाद भी अपनाई मतलब निरंकुश भी बन गई मतलब निरंकुश समझ रहे मतलब जनता के खिलाफ भी हो गई, ठीक है। फिर आपका है क्या कि बात करते हैं तो यार क्या कि इल्तुतमिश ने रजिया उत्तराधिकारी घोषित किया और उसके बाद क्या किया चांदी के टंके का नाम क्या किया जी अंकन करवाया। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए रजिया के उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद इल्तुतमिश ने क्या किया था तो चांदी के टंके पर उसका नाम को अंकन करवाया या चांदी के टंके पर उसका नाम अंकन करवा देते रजिया सुल्तान। अब देखिए क्या रजिया सुल्तान जो है ये मुस्लिम और तुर्क इतिहास की पहली और अंतिम महिला शासक थी। आपसे पूछा जाएगा कि तुर्क इतिहास की पहली और अंतिम महिला शासक का नाम क्या है रजिया सुल्तान है। और फिर आपसे पूछा जाएगा पहली मुस्लिम शासक कौन है तो रजिया सुल्तान है, ठीक है। अब फिर बात करते हैं कि ये रजिया सुल्तान जो है सिंहासन में बैठी है वो मतलब देखिए अमीरों ने भी तो साथ दिया साथ ही क्या दी दिल्ली के जलता के मदद से भी क्या गया गद्दी पर बैठ गए और इसके मदद से तुर्कान ने चहलगामी। फिर इसके बाद ये शासिका बनने पर क्या हुआ उसमें उदमत उल निसवा की उपाधि धारण करी जैसे वो शासिका बन जाती है दिल्ली की गद्दी को प्राप्त कर लेती है तो वो अपने आप को एक उपाधि धारण करती है उसका नाम क्या है उदमत उल निसवा क्या जी उदमत उल निसवा मतलब पूरा जितने भी अमीरों है ना वो सबको खत्म करेगी, ठीक है दिल्ली में। इसके बाद एक अब ये जैसे गद्दी बैठती है तो अमीरों को नष्ट करती है उसके बाद कई शासक जो है इसके विरोध में आ जाते हैं क्यों विरोध में आते हैं क्योंकि ये एक महिला है, ठीक है क्या जी एक महिला है अभी सबका सामना करती है। उसके बाद आपका है क्या ये कई तरह का मतलब अफवाह उड़ाते हैं जितने भी अमीर उमीर थे, ठीक है मुसलमान शासक जो है मुसलमान जो भी शासिका होती है मुसलमान शासक का कहना है कि फीमेल का शासक बनना अपमान है क्या जी अपमान है मतलब उसे अपमान मानते हैं जितने भी मुस्लिम शासक थे, ठीक है इल्तुतमिश को छोड़कर और कुछ अमीरों को छोड़कर। फिर आपका है क्या कि मतलब इस्लाम कहता है मतलब वो अपने रूल के अकॉर्डिंग में आते हैं शरिया कानून में आते हैं और बोलते हैं क्या इस्लाम में इसे अनुचित नहीं माना जाता है मतलब महिलाओं को राजा बनने के लिए राजा योग्य नहीं होती है। लेकिन इसके लिए वो इसने क्या किया फिर इसके बाद क्या हुआ कि आंतरिक विरोध हुआ जो आपके चहलगामी ये जो थे ना तुर्क के चहलगामी थे जो 40 लोग समूह था इसमें भी क्या हुआ कुछ मतभेद होने लगा और रजिया से अनेकों प्रकार के सवाल जो है करने लगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि रजिया ने मतलब सबको मतलब इसको नियंत्रण बनाए रखने के लिए जो तुर्कान चहलगामी थे उनको और भी बड़े बड़े पद जो है देना शुरू कर दिया। अब वो नहीं देती तो क्या होता क्योंकि सारे जो लोग थे अमीर थे मतलब बहुत ज्यादा पैसे वाले थे तो ऐसे में रजिया को मतलब अगर गद्दी बैठाया था तो गद्दी से हटा भी सकते हैं इसने इनको ऊंचे ऊंचे क्या किया पद दिया। इसके बाद फिर क्या किया रजिया ने मतलब बहुत सारे मतलब अपने लोगों को भी मारा, ठीक है उस बार जनता के प्रति भी निरंकुशवाद बन जाती है और उसके बाद आपका है क्या जब ये सब बातें सुनती है तो उसने महिलाओं की तरह रहना जो है छोड़ दिया वो भी क्या एकदम पुरुषों की रहना चालू कर दिया कोट वगैरह पहनना चालू कर दिए फिर मतलब तलवार और हमेशा मतलब मुकुट वकुट लगाए हुए हमेशा जो है रहना जो है चालू करते और अनेकों प्रकार की युद्ध लड़ती है। और अगर क्या कहा था कि अगर देखिए कहा जाता है कि अगर रजिया सुल्तान अगर एक महिला नहीं होती अगर पुरुष होती तो दिल्ली सल्तनत को ही मतलब पढ़ने में लगभग आपको कम से कम महीना दिन लग जाते मिनिमम मतलब रजिया इतनी युद्ध को लड़ती इतनी युद्ध को लड़ती और इतने अपने साम्राज्य का विस्तार करती कि हर जगह उसका पर्चा जो है लहरता।
और इसका असफलता के कारण क्या होगा ये आप जानेंगे, मतलब क्यों रजिया सुल्तान जो है मतलब क्या ऐसा गलती कर दी जो अपना विस्तार ज्यादा दिन नहीं कर पाई। इतना मतलब एक बहुत इतना युग शासक होने के बावजूद भी मात्र कितना साल राज कर रही है, मात्र 4 साल। इसलिए कहा था गलती मतलब एक गलती जो होगी मतलब क्या होता है ना वन मिस्टेक गेम ओवर, एक गलती होगी कहानी खत्म हो जाएगी। तो इससे भी यही गलती होगा, जैसे मतलब किसी सिंह को मतलब वो अट्रैक्शन हो जाए, अट्रैक्शन मतलब वो राजा बना लेंगे, फिर उसके बाद क्या जो मतलब वो विरोध करेंगे ना संयंत्र रस देंगे और बीच में ही इनको मार देंगे, फिर दूसरा गली पर आकर बैठ जाएगा।